सार्वभौम संत नित्य लीलालीन भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार की पावन तपस्या स्थली गीता वाटिका के प्रांगण में श्री भाई जी की 50वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित 9 दिवसीय श्री राम कथा का शुभारंभ किया गया। कथा प्रारंभ होने के पूर्व श्री भाई जी के पावन कक्ष से गीता वाटिका परिसर में श्री रामचरितमानस की शोभा यात्रा निकाली गई। हनुमान प्रसाद पोद्दार स्मारक समिति के सचिव श्री उमेश कुमार सिंघानिया ने कथा व्यास का स्वागत किया। कथा का शुभारंभ करते हुए जोधपुर से पधारे कथाव्यास गोवत्स श्री राधा कृष्ण जी महाराज ने कहा कि भाई जी की आध्यात्मिक स्थिति के बारे में लोगों के अपने अपने भाव हैं। मेरे अंतःकरण का भाव यह है कि श्री भाई जी की नित्य निकुंज में वास्तविक स्थिति जो केवल ठाकुर जी ही बता सकते हैं। गीता वाटिका प्रेम संक्रमण की भूमि है। राम कथा हमें अपनी लगती है, राम जी हमें अपने लगते हैं। श्रीमान धनवान लोग अपने बच्चों को गली मोहल्ले के साधारण बच्चों के साथ खेलने नहीं देते, परंतु चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने श्री राम जी को अयोध्या की गलियों में खेलने से रोका नहीं। उनके मन में यह भाव था कि राम अयोध्या की गलियों में खेलेंगे तो बिगड़ेंगे नहीं, बल्कि उनकी संगति से बिगड़े हुए भी सुधर जाएंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नवीन रुंगटा ने कहा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
महाराज है, जोधपुर से आए हैं और ये राम कथा चलेगी 9 दिन तक। शाम का समय है इसका, 3 बजे से लेकर 7 बजे तक। राम कथा के बारे में संपूर्ण बातें राधा कृष्ण जी महाराज के बातों से और सारी सूचनाएं आपको वो देंगे। आइए सब लोग आनंद लीजिए उसको। बस एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि कोरोना भी थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो मास्क का और सैनिटाइजर का अवश्य ध्यान रखें। यही मेरा अनुरोध है, यही मेरी विनती है।